अचार को कांच के सूखे बर्तन में रखना है और बर्तन को ऊपर तक नहीं भरना है, जिससे कि जो अचार का जो अभी मसाला है वो फूलेगा 2-3 दिन में, तो ये तेल हमारा इसका बाहर निकल सकता है। लेकिन अचार को डूबते हुए तेल में रखना जी है। जब भी अचार निकालना हो आप साफ सुथरी चम्मच से निकालें और वापस तेल में डुबोकर इस अचार को रख दें, जिससे कि आपका जो अचार है वो लंबे समय तक अच्छा बना रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, भारतीय किचन में आपका स्वागत है। मैं भारती पाटनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ नींबू का चटपटा अचार। मीठा अचार पहले मैं बना के बता चुकी हूँ, आज हम बनाएंगे चटपटा सा अचार। इसके लिए मैंने नींबू को अच्छे से धो लिया है, इनको एकदम सुखा भी लिया है। अब इसके कर लेते हैं चार चार पीस। नींबू को इस तरीके से मैं कट कर लेती हूँ, इनके बीज भी निकाल दूंगी। एक नींबू के मैं आठ आठ पीस कर रही हूँ, इससे खाने में सुविधा रहेगी और जल्दी से गल भी जाएंगी। इस तरह से काट के एक बर्तन में डाल देती हूँ, कांच वाले बर्तन में हम इसको डालेंगे, जिससे कि अच्छा रहे, ये जल्दी ख़राब नहीं होए। सारे कर लेती हूँ इसी तरीके से। इस तरीके से मैंने सारे नींबू तैयार कर लिए हैं। एक मेरा ये नींबू ख़राब था, इसको मैं काम में नहीं लूँगी, इसका रस मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसमें मैं डाल देती हूँ ये वाली 2 चम्मच नमक। नमक इसमें अच्छा डलता है, तभी अचार जो हमारा ज़्यादा दिन तक टिकता है और जल्दी से गल भी जाता है। और डाल देती हूँ लगभग आधी चम्मच हल्दी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन दोनों को और ढककर 3-4 दिन के लिए रख देंगे। और हर रोज हम इसे किसी साफ सुथरी चम्मच से इस तरीके से हिला भी देंगे, जिससे कि जो हमारा अचार है वो ख़राब नहीं हो। और जब ये थोड़ा गल जाएगा तब इसमें बाकी के मसाले और तेल डालेंगे। ढक देती हूँ इसे, को ढककर मैंने 4 दिन तक इस तरीके से रख दिया है। और हर दिन सुबह मैं इसको इस तरीके से मिक्स भी करती रही, जिससे कि अचार हमारा ख़राब नहीं हो। बिना धूप के ही मैंने इसको रखा है, आप चाहें तो इसे धूप में भी रख सकते हैं। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। ले लिए मैंने 2 चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच ही मैंने सौंफ ले ली है, 1 चम्मच मैंने ले ली है कलौंजी, और 1.5 चम्मच के करीब मैंने ली है मिर्ची, लाल मिर्च पाउडर, और 1/4 के करीब मैंने लिया है हींग। इन दोनों को मैं रोस्ट कर लेती हूँ, इससे इसका अरोमा बहुत अच्छा आता है। और ले लेंगे हम सरसों का तेल भी। एक कढ़ाई में हम डाल देंगे ये मेथी दाना और ये सौंफ भी मैं इसमें डाल देती हूँ। दोनों को अच्छे से सेक लेते हैं, बहुत बिल्कुल हल्का सा सेकेंगे, जिससे कि हमारे जो अचार में है इसका बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही अच्छा अरोमा आता है इसका। जब ये थोड़ा सा भुन जाए इसी में डाल देते हैं कलौंजी भी। और पीली वाली सरसों हो आपके पास वो भी डाल सकते हैं। मसाले हमारे भुन गए हैं, गैस को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। अब इसी पैन में मैं डाल देती हूँ लगभग 1 बड़ा प्याला सरसों का तेल, और इसे बहुत तेज गरम कर लेंगे धुआं उठने तक। लगभग 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको गरम होने में। तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है, देखिए इसमें धुआं आ रही है। गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा तेल हम इस अचार में डालेंगे, गरम गरम नहीं डालेंगे। तेल हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है, इसमें डाल देती हूँ ये सारे मसाले, और डाल देते हैं हींग भी, और डाल देती हूँ लाल मिर्च पाउडर भी। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। इसी में मैं डाल देती हूँ ये गला हुआ हमारा नींबू का अचार, और इसे भी इसमें मिक्स कर देंगे और वापस इसी बर्तन में भर देंगे। मैंने ये थोड़ा बनाया है, आप इसी तरीके से जितना बनाना चाहते हैं बना लीजिए। भर कर रख देंगे इस बर्नी में वापस से। जी, मेरे को इसमें कम लगी, मैंने आधी चम्मच मिर्ची और डाल दी है। तो हमने बना लिया है इस तरीके से नींबू का अचार तेल वाला, और मीठा नींबू का अचार मैंने आपको पहले बनाकर बताया है, और इंस्टेंट नींबू का अचार भी मैंने मिर्ची के साथ बनाकर दिखाया है आपको। इस तरीके से नींबू का अचार बनाएंगे आप तो साल भर तक भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, फ्रिज के बाहर भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप इसे
तेल में डूबते हुए रखेंगे तो ये बिल्कुल अच्छा रहेगा। इसी तरीके से आप इसको बिना तेल का भी बना सकते हैं, तो बनाइए आप भी इस तरीके से नींबू का अचार और अपने खाने का स्वाद और बढ़ाइए। आप इसे रोटी, चपाती, चावल सभी के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी बनाकर देखिए मेरी इस रेसिपी को और बताएं अपने अनुभव आपको ये कैसी लगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब जब भी मैं रेसिपी अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उसे देखना चाहें तो ज़रूर देखिए। मेरी रेसिपी को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जितना हो सके शेयर कीजिए। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।